मैंने ना बचपन की नमाजें पढ़ी हुई। अब मुझे ये बात समझ आई, मैं छोटी थी ना बचपन से इतकाफ बैठ जाती थी, कुछ होता था 12-13-14 साल में, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर जब मैं छोटी थी, तो शायद ये बात नहीं करते अच्छा तो शायद वो डैड की बात नहीं कर सकती मैं, ठीक है उसको छोड़ देता है। हाँ। तो वो मुझे लगता है बचपन की नमाजें ना कभी कभी जवानी की मुसीबतों से आपको बचा जाती है। वाह 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 वाह, ये हुआ। अगर मैं ये कहूँ, from deep down inside, she is quite religious. She is. बरकत साहब ने सवाल किया कि कभी किसी ने प्रपोज तो नहीं किया। ये जो जनवरी 2022 है, यहाँ तक सारा की जिंदगी में कोई भी रिलेशन स्टेबल नहीं चलना था। अब इंशाल्लाह रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी आएगी वक्त के साथ। अब वो आएगा मेरा ख्वाबों का शहर। और जो ब्रेकअप के वो था ना, ब्रेकअप वाला टाइम, वो इनका निकल गया। जो जितने ब्रेकअप्स होने थे वो उनके हो गए। अब पैकअप हो गया सब। अब नया पैकअप होगा। हाँ, कपड़ों का शहजादा आएगा। वो गाना इस पे आएगा ना, आएगा आने वाला आएगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह जो आपके नसीब में होगा सबसे पहले। चलिए छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। हाँ जी। सेट पर कोई बात जो आपको अक्सर एनॉय करती हो या आपको बुरी लगती हो? शायद सीन के वक्त अगर पीछे से शोर आ रहा हो, गुस्सा आ जाता है बहुत। कोई आदत जो पाकिस्तानी स्टार्स में खास तौर पर पाई जाती हो? नखरा, बड़ा बड़ा नखरा। हाँ, ओके। मतलब जिसमें होना चाहिए उसमें भी है, जिसमें नहीं होना चाहिए उसमें भी है। कोई कॉम्प्लीमेंट जो आपको अक्सर मिलता हो जी? हाँ, आप कितनी छोटी यार, यू लुक वेरी यंग। आप अगर 22 साल की उम्र में अपने आप से मिले तो क्या मशवरा देंगे? लोगों की बात या कोई आपको हर्ट कर जाए तो उसको जल्दी इग्नोर करना सीख जाऊं। करती हूं कोशिश, ब्लॉक कर देती हूं, नहीं, लेकिन वो हिंट करती रहती है, बिकॉज़ आप इतने फेयर हैं, आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, और लोग आके कोई कंकर फेंक जाए तो जो कैसी बातें करने लगी हूं मैं। तो वो जो हल्के हल्के से पंजाबी च कहंदे ने ना, बौंतर गई है। दैट्स ट्रू। मोहब्बत करने की कोई उम्र होती है जी? मोहब्बत की उम्र नहीं। सुन लिया नमन भाई, अब अगला सवाल छोड़ दें। आपके जो जेंडर में क्या चीजें हैं जो आप नोट करके पर्सनालिटी के एनालिसिस करती हैं जी? मुझे खैर सभी बोलेंगे कैसे लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे थोड़े थोड़े सच्चे सच्चे लोग मुझे पसंद है। मुझे ज्यादा बनावटी लोग नहीं अच्छे लगते। कोई मेरे सामने बहुत एक्स्ट्रा सूट बूट और ज्यादा महंगी चीजें पहन के आते कर रहा हो? नहीं नहीं, महंगी चीजें पहन के आ जाते हैं, मेरे को बड़े पैसे नहीं। एक होता है ना, लोग ट्राई करते हैं कि आप मनी से अट्रैक्ट होते हैं या कुछ नहीं। मैं भी शायद तुमको ऐसी बात कर दो, कोई चीज आपको इंप्रेस, क्या चीज इंप्रेस करती है? तो उसकी कोई बात, उसका कोई एक्ट, जेन्युइननेस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फिटनेस के लिए क्या करती है जी? योगा। योगा, योगा भी, जिम भी। ओके। सेलिब्रिटी क्रश कौन था जी आपका पहला? फर्स्ट लाइफ में मिस्टर बच्चन। मुलाकात हुई उनसे? वहीद मुनासा। अच्छा, मिस्टर बच्चन यहाँ बैठे थे, मैंने उन्हें बताया नहीं मैं आप सबसे बड़ा क्रश हूँ, बस हेलो हाय करके निकल गए ना, जैसे आई डिडंट टॉक टू हिम मच। अच्छा, लेटर जैसे आई वांटेड टू। अच्छा, ओके। किसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगी आप? जेम्स कैमरॉन, द डायरेक्टर ऑफ टाइटैनिक। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट। जेम्स कैमरॉन से मिलना चाहेंगी जी? हमारे कैमरामैन से मिले, जेम्स कैमरा ऑफ। लेकिन जेम्स को भी तो बंदा पूछे ना, क्यों मिलना चाहेंगे? वो भी मिलना चाहेंगे, टाइम है कि नहीं? सर मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यू नेवर नो, यू नेवर नो। जेम्स कह दे जी के किसी प्रोग्राम से मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलना चाहना। की पता, की पता, हो सकता है उसके हालात खराब हो जाए या ड्रामे बनाने लगे। हाँ, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। आपके दोस्त अहबाब या घर वाले आपकी किस आदत से बहुत नाला है? किस आदत से बहुत नाला है? ये चैन नहीं है, हाइपरनेस, चैन नहीं है मेरी बच्ची को। परेशानी की हालत में सबसे पहला फोन किसे करती हैं जी आप, जिसने परेशान किया होता है? अभी उन्होंने क्या बताया कि ये किसी को फोन नहीं करती, इतना करीब कोई नहीं। किसके करीब हैं आप, घर में किसी के करीब हैं? अपने करीब हैं। अच्छे से डॉक्टर को इलाज क्यों नहीं करा? क्यों करावा मैंने, क्यों है? अपने आप से बातें करती हैं, ये इसके ज्यादा डिटेल नहीं बतानी पड़ती, सब पहले से ही पता होता है। आपका पसंदीदा तरीन गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हो जी? तो इतनी खूबसूरत है, इनका ही गाना। हाँ, ये मेरे राहत भाई ने पसंद है मुझे। कौन सा? ये जो गा रहा है। नहीं, राहत फतेहअली साहब, इनकी पिक्चर का गाना। मेरा अपना गाना, मैं नहीं गाऊंगी, मुझे नहीं गाना आता। थोड़ा सा एक लाइन गा दे, मुझे गाना नहीं आता, नाचना आता। हाँ? अरे चले मैं गाता हूं। चले फिर ये गा हम लेते हैं। गा तकिए ले आओ। दुआ है इंशाल्लाह सारा लोहारन जो है, लोहारन लोहारन, ये भी तो लोहे चबाने का काम है, लोहे के चने चबाने का काम है। शोबिज होस्टिंग, जो आपके लिए बेहतर है वो आपके लिए आगे हो जी इंशाल्लाह।
और अल्लाह पाक कामयाबियां दे। आमीन, आमीन। लेकिन यहाँ आप आ गई हैं वापस, तो यहाँ के डायरेक्टरों और प्रोड्यूसर्स पे हाथ हल्का रखिएगा। हाँ। क्योंकि हिंदुस्तान से जो लोग वापस आते हैं ना, फिर उनके नरखे कहते हैं ना, उनकी चार्जेस, उनकी फी स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। हमारे पहले भी हाय थे, नहीं पहले भी हाय थे, बल्कि अब हम, मुझे लगता है हम ज्यादा 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 हाई हो गए हैं, ज्यादा वो नखर को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं अगर आप तो कहें। मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मुझ में कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी, अगर आप देखेंगे ना टेक्निकली मैं फंस सकती थी, आज फंस जाऊंगी बोलन तो बात मतलब आप नहीं फंसी, मतलब आप फंसी नहीं नहीं कभी नहीं। बहुत से लोगों को इतराज है आपके हवाले से। हाँ बिल्कुल, कि बोल्डनेस की जरूरत नहीं है मुझे, इतनी क्यों बोल्डनेस दिखा दी इसने, मुझे भी समझ नहीं आई। मैं सच बताऊं कभी कभी माहौल का असर हो जाता हल्का सा। हाँ वो मैंने ब्रेक लिया, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ पाकिस्तानी कौम जो हम चाहे जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हम अपनी खवातीन को लेकर बड़े बागैरत हैं। बिल्कुल, वी कांट सी आप देख लें, आपकी किसी भी मॉडल की या किसी की भी तस्वीर लगी होती है बगैर, स्पेशली आफ्टर सोशल मीडिया की इन्वेजन, विदाउट स्लीव आप खड़े हों कोई ऐसा ड्रेस पहन के, तो नीचे जो तनकीद लिखी। अरे सर स्लीवलेस के चक्कर में बहुत से लोग जॉबलेस हो गए। या अगर कोई वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है किसी ने, तो वो एक इतराज़ हो जाता है कि नहीं दुपट्टा होना चाहिए, फलां होना चाहिए। आपने तो सारा कुछ मारा कंधे कपड़े मुंह पे मार दिए, ये जो आने का किसी एक चीज पे बोलेंगे मैं मौका ही नहीं दूंगी। तो ये जो आपने किया, आपने ये रियलाइज किया था कि आपने वापस, मैं आपको मजे की बात बताऊं। हाँ ऐसे रियलाइज वाली, वैसे यही मजे की बात है, आप आगे ना बताएं। मैंने शायद अपनी जिंदगी में सबसे बोल्ड स्टेप और द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी वाज डू अ बिकनी शूट, नोबडी नोज दैट, एंड मे बी द स्टेट ऑफ माइंड वाज डिफरेंट, कुछ था, कुछ रीजन थे, मैं किसी गुस्से में भी थी, एंड मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लेने नहीं आऊंगी, आप सही कह रहे हैं, वो एक थॉट था ना। अच्छा मैं एक्ट नहीं कर सकती हूँ, मैंने नोट किया, बिकॉज हमें आदत है डायलॉग्स बोलने की, हमें बॉडी लैंग्वेज की आदत ही कम है। वहाँ पे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज चलता है ना, डायलॉग्स कम चलते हैं, तो जब फिल्म में आपको सिर्फ दो लाइंस बोलनी और बाकी, तो कई दफा तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, तो मैंने उस वक्त थोड़ी बोली नहीं, मैंने कहा थोड़ी लाइट फिल्म कर लेती हूँ, ये नहीं पता था वो लाइट थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बन गई, बट दिमाग में सिर्फ ये था कि अच्छा एक लाइट सी फिल्म है। हाँ। और एक कोई शॉर्ट सीन है, तो उसका कोई रद्दे अमल यहाँ से पहुंचा आप तक? पहुंचा थोड़ा सा। हाँ। अब जब आप मिलती हैं लोगों को। अच्छा अब मैंने देखा है, जब मैं वापस आई हूँ तो यहाँ तो माहौल थोड़ा बदल चुका है, यू नो द पीपल आर क्वाइट कंफर्टेबल टू बी बोल्ड। हाँ। वो अलग बात है सोशल मीडिया उनकी ट्रोलिंग कितना करता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट मैंने देखा पीपल आर वेरी कंफर्टेबल व्हाटएवर दे डूइंग। अब दुपट्टा कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा, मैं अच्छी दुपट्टों में लगती हूं, नुमान सर चुप कर जाए। शायद वो ये था कि कभी आप हॉलीवुड में फिल्म कर रहे हैं और शायद कभी आपको कोई एक शॉट करने को मिल जाए या कोई ऐसी चीज, तो आर यू गुड एनफ, आर यू दैट मच कॉन्फिडेंट गर्ल दैट यू कैन अटेम्प्ट इंटरनेशनल मार्केट, सो मे बी दैट वाज द थॉट। तो इसका मतलब है कि बॉम्बे से होके आने के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, फिल्म बना दिया मैं, हाँ, you know? मैं हॉलीवुड भी काम कर सकनी है।